जब कभी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो एक आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंक से हम कितने तरह के लोन ले सकते हैं? नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने तरह के लोन होते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लोन होता क्या है। लोन एक ऐसा क्रेडिट है जो आप बैंक से लेते हैं, जिसके साथ आप बैंक के अमाउंट को रिटर्न करने का प्रॉमिस भी करते हैं। साथ ही इस लोन के दौरान बैंक आपसे इंटरेस्ट यानी ब्याज भी लेता है। इसे समझने के लिए जानते हैं टाइप्स ऑफ लोन इन इंडिया। इंडिया में दो तरह के लोन होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो आपको किसी सिक्योरिटी के बदले दिए जाते हैं। इस सिक्योर्ड लोन में लोन देने वाले कम रिस्क पर रहते हैं। यदि किसी केस में बोरोवर लोन नहीं चुका पाता तो उस केस में लेंडर उसकी गिरवी रखी हुई असेट को बेच सकता है, और इसी वजह से सिक्योर्ड लोन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होती है बजाय अनसिक्योर्ड लोन्स के। वही अनसिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड लोन्स के बिल्कुल विपरीत काम करता है। किसी भी चीज को गिरवी रखकर नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति की आय को देखकर दिया जाता है और कितने समय में वो लोन चुका सकता है उसे देखकर। लेंडर्स इस लोन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन बोरोवर्स के डॉक्यूमेंट, उनकी पोटेंशियल इनकम और उनकी सिविल हिस्ट्री के बेसिस पर होते हैं। चलिए अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स के टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिक्योर्ड लोन्स के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है हाउसिंग लोन। ये सबसे कॉमन टाइप का सिक्योर्ड लोन है जो बोरोवर्स सबसे ज्यादा लेते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि होम लोन्स इसलिए लिए जाते हैं कि हम किसी भी तरह का घर खरीद सकें या बना सकें। होम लोन्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे लैंड परचेज ताकि आप अपने घर के लिए जमीन खरीद सकें, होम कंस्ट्रक्शन ताकि आप घर का काम करवा सकें या उसे नए सिरे से बना सकें, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर ताकि आप चल रहे बैंक लोन की इंटरेस्ट रेट कम करवा सकें, टॉप अप लोन ताकि आप अपने घर को रेनोवेट करा सकें। दूसरा है गोल्ड लोन्स। गोल्ड लोन्स किसी ज्वेलरी पर दिया जाता है। यहाँ ज्वेलरी सिक्योरिटी की तरह काम करता है। बोरोवर अपना गोल्ड लेंडर के पास गिरवी रख देता है और उसके बदले उसे पैसे मिल जाते हैं। जैसे ही लेंडर को सारे बोरो किए हुए पैसे मिल जाते हैं, वैसे ही वो उसे गोल्ड भी वापस कर देता है। तीसरा है व्हीकल लोन्स। व्हीकल लोन्स गाड़ियां खरीदने के लिए लिए जाते हैं, लेकिन अगर बोरोवर उस लोन को चुका नहीं पाता तो लेंडर उसकी उस गाड़ी को सीज भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर भी। यहां आप अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर उसके अगेंस्ट लोन उठा सकते हैं, और अगर आप लोन को टाइमली नहीं चुका पाते तो लेंडर आपकी उस प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकता है। चौथा है लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस। ये भी पॉपुलर सिक्योर लोन में से एक है। ज्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट भी उन्हें लोन मिल सकता है। किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने के लिए उसकी एक सरेंडर वैल्यू होनी जरूरी है, और उसी के बेसिस पे आपको लोन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स की, जिसमें सबसे पहला है पर्सनल लोन। ये सबसे ज्यादा लिए जाने वाले लोन्स में से एक है। पर्सनल लोन्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं, वो भी बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के। ये लोन बोरोवर की इनकम के बेसिस पर दिया जाता है। इतना ही नहीं, पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, इसीलिए बोरोवर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती इसीलिए अनसिक्योर्ड लोन्स में से एक है। दूसरा है शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन्स। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, और यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हैं तो बैंक्स आपको ये शॉर्ट टर्म लोन्स देती हैं। ये लोन्स आपके शॉर्ट टर्म लॉसेस को कवर करने के लिए दिया जाता है। तीसरा है एजुकेशन लोन। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय में एजुकेशन काफी एक्सपेंसिव होने वाली है। अगर किसी को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो सबसे पहले उसे लाखों का इंतजाम करना होगा, और इसीलिए बने हैं एजुकेशन लोन, जिन्हें स्टूडेंट लोन भी कहा जाता है। इस लोन की खास बात यह है कि इसका रिपेमेंट 12 महीने के बाद होता है, और इसी की वजह से एजुकेशन लोन लेने वालों को एक हेल्प जाती है। ऐसे और भी लोन्स हैं जिनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।